पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला विच डीन विद्यार्थी भलाई विभाग वालों वर्ल्ड मैंटल हैल्थ डे नूं समर्पित मैंटल हैल्थ इज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट विषय उत्ते सैमीनार करवाया गया। पेशा सबाबत साडी इक रिपोर्ट। पंजाबी यूनिवर्सिटी के डीन विद्यार्थी भलाई दफ्तर ने विश्व मानसिक सेहत दिवस के मौके पर एक विशेष सैमीनार करवाया। इस सैमीनार विच उगे मनोविश्लेषक प्रोफेसर अनिरुद्ध काला तो इलावा पीजीआई तो सबका प्रोफेसर प्रभजोत मल्ली अते चढ़दी कला टाइम टीवी के सीईओ डॉक्टर इंद्रप्रीत कौर दर्दी ने अपने विचार पेश किए। प्रोफेसर अनिरुद्ध काला ने तनाव सदमा दबा अते होर मानसिक रोगों बारे अपने अनुभव आधारित विचार पेश किए। इत्थे इन्हां समस्यावां दी पहचान इलाज अते सुझावां बारे विस्तार विच गल कीती है। प्रोफेसर प्रभजोत कौर ने मानसिक सेहत नाल संबंधित वख-वख समस्यावां बारे गल कीती। डॉक्टर इंद्रप्रीत कौर दर्दी ने दस्सिया कि नकारात्मक ख्यालां दी वजह नाल पैदा होण वाला मानसिक दबाव जिथे एक पासे खराब मानसिक सेहत दा कारण बनता है उत्थे ही बहुत सारिया शरीरिक बीमारियों का भी कारण बन सकता है। उन्होंने कहा कि साडी जिंदगी विच ढाल बनने वाले रिश्ते लाजमी तौर पर होने चाहिए ने जिस नाल मानसिक सेहत ठीक रहती है। प्रधानगी भाषण दौरान उपकुलपति प्रोफेसर अरविंद ने कहा कि यह गल पक्की है कि मानसिक सेहत को ठीक रखने लिए एक दूजे नाल मिल के रहना चाहिए। चढ़दी कला समूह के चेयरमैन पद्मश्री सरदार जगजीत सिंह दर्दी भी इस समागम विच मुख मेहमान वजों शामिल होए अते डीन विद्यार्थी भलाई प्रोफेसर हरविंदर कौर वालों डॉक्टर रूबी गुप्ता अते उनके स्टाफ वालों पिछले समय में करवाईया गई रचनात्मक गतिविधियों में भाग लैन वाले विद्यार्थियों को सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने इनाम दिते। समुचे प्रोग्राम का संचालन डॉक्टर इंद्रजीत सिंह चाहल डॉक्टर नैना शर्मा अते डॉक्टर रूबी गुप्ता ने किया। अज असी वर्ल्ड मैंटल हैल्थ डे दे प्रोग्राम लई सारे इकट्ठे होए हैं। मैं डीन स्टूडेंट वैलफेयर दफ्तर का डॉक्टर नैना शर्मा का डॉक्टर रूबी का बहुत धन्यवादी हाँ कि उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। मैंटल हैल्थ कहते हैं कि एक्सपर्ट्स का भी विषय है पर हर मनुख का भी विषय है क्योंकि सानू सारयां नू अपनी मैंटल हैल्थ बारे सोचना पैंदा है। मैनू सब तो पहले तो यह लगता है कि हैल्थ है मन तो शरीर के जिहड़ा संबंध है वह दो चीज़ों आपसी संबंध नहीं है, बंदा एक ही है और मनुख मैंटल हैल्थ फिजिकल हैल्थ दे विच कोई दो किस्म की हैल्थ नहीं है, हैल्थ एक ही है, दो नहीं है। जिहड़ी असीं इह गल बना ली है ना भी जिहड़ा जिहड़ा मनुख आ वह कल्ला कल्ला है, वह तो कल्ले दा इलाज होना है, कल्ले ने बीमार होना है, कल्ले दी मैंटल हैल्थ है, यह अपने आप च ही मैंटल हैल्थ खराब करन दा एक कारण कि केड़े यूनिट की है लाइफ का। यूनिट का लाइफ का यूनिट मनुख नहीं है, यूनिट कम्यूनिटी है, यूनिट परिवार है। तो इस करके असी अपने तो बाहर भी होंने, असी सिर्फ अपने वो अंदर ही नहीं होंगे। मनुख इस तरह कला ना तो इवॉल्व है क्योंकि 10 लाख साल तो मनुख धरती पर रह रहा है तो जिहड़ी साडी एवोल्यूशनरी हिस्टरी है वह साफ दसदी है कि असी कट्ठे ग्रुपां च विचरन वाले जानवर हाँ। जानवर ही असी, कोई तो फर्क नहीं है जानवरों नालों, पर असी ग्रुपां च विचरन वाले हाँ और इस करके जिहड़ी जो असी हाँ वह साडे तो बाहर होर मनुखां विच भी वसदा है। गुरु नानक साहब ने अपनी जिंदगी के अखीरले साल बाणी लिखदियां क्यों नहीं बिताए, खेती करदियां क्यों बिताए? किरत। जे असी कम करिए, लेबर करिए, किरत करिए, मेहनत करिए तो दिमाग शरीर भी ठीक रहिंदा है तो दिमाग भी ठीक रहिंदा है। बहुत वड्डा असर पैंदा है फिजिकल लेबर मेहनत करन दा साडे मानसिक संतुलन ते मानसिक बीमारियां। समय नाल लड़के जो नसीब बदल देवे इंसान है उही जो अपनी तकदीर बदल देवे। कल की होएगा कदी ना सोचो, कल की होएगा कदी ना सोचो, की पता कल समा आपे अपनी तस्वीर बदल देवे। सत श्री अकाल जी।